क्या आपके दोस्त भी सौंफ के साथ ऐसा करते हैं? Check the mic and make sure it sound right, boys. What's up, everyone, and welcome back to the channel. I hope you guys are doing absolutely fine. Thank you so very much for giving me an awesome response on my previous video. तो आज का जो प्लान है वो थोड़ा सा पार्टी वाला है, क्योंकि मैंने और जो मेरा एक और दोस्त है वो भी आ रहा है गितेश, हमने सोचा था कि हम दोनों अपनी बर्थडे की पार्टी एक साथ देंगे. तो मेरा बर्थडे जो है नवंबर में आता है, मेरा दोस्त गितेश का बर्थडे जो है वो दिसंबर में आता है. तो हम दोनों ने सोचा था कि हम अपनी बर्थडे की पार्टी हमारा एक और दोस्त है रजनीश, उसको मिलकर एक साथ देंगे. बट 2020 पूरा निकल गया, पार्टी का कुछ ऐसा सीन बन नहीं पाया. तो फाइनली फरवरी 2021 भी अब खत्म ही होने वाला है. तो आज हम जा रहे हैं पंडारा रोड की तरफ पार्टी करने के लिए, और मैं अपने दोस्तों का वेट कर रहा हूँ एज यूजुअल. गितेश जो है हर लेट करता है, हर बारी उसको जितनी बारी बोलो जल्दी आ जाए वो हर बार कैसे ना कैसे करके वो लेट ही आता है. सरप्राइजिंगली आज रजनीश भी लेट है, तो देखते दोनों कितना टाइम लगाते हैं और कौन पहले आता है. और सरप्राइजिंगली जिस लड़के को जल्दी आना चाहिए था वो लेट है. ये रहा. तो फाइनली हम लोग जो है पंडारा रोड पहुंच गए. जितने भी लोग दिल्ली से देख रहे हैं उन लोगों को पता है पंडारा रोड कहां पर है. पंडारा रोड बेसिकली दिल्ली की काफी फेमस जगह है, और यहां पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स भी हैं, और हम भी उन्हीं में से एक रेस्टोरेंट में जाना है, विच इज हैवमोर. हैवमोर में बेसिकली बटर चिकन के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है, और हम तीनों को बटर चिकन बहुत ज्यादा पसंद है. तो हमने सोचा चलो यहां पे आज ट्राई करते हैं. सो वी आर गोइंग टुवर्ड्स हैवमोर. तो दिखाते हैं वहां का कैसा ऑथेंटिक टेस्ट है और क्या है. और जब आप इस एरिया में एंटर करेंगे तो आप लोगों को जो रोड मिलेगी वो कुछ इस तरीके की मिलेगी. रोड थोड़ी सी पतली है, आप लोगों की गाड़ी वो लोग बाहर लगवा देंगे. और जो इस रेस्टोरेंट के एरिया का जो बीच का कॉम्प्लेक्स है वो कुछ इस तरीके का है. और यहाँ पे जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं फेमस वो सारे एज इट इज है. और हम लोग जा रहे हैं आज हैवमोर में. As you can see the rush over here, और हमें 40 minutes की वेटिंग मिली है. और जो टाइम हो रहा है अभी, आई डोंट नो इफ यू गाइस कैन सी दिस और नॉट, बट 8:30 हो रहे हैं और काफी टाइम लगने वाला है यहाँ पे. लकीली हमारा नंबर जो है वो टाइम से पहले आ गया है. And this is the menu of Havmor. You can pause the screen and check out the everything. तो दिल्ली में जब भी खाने की बात होती है स्पेशली नॉनवेज में, तो बटर चिकन का नाम जो है वो सबसे ज़्यादा टॉप पर आता है. और हम तीनों को भी नॉनवेज में बटर चिकन सबसे ज़्यादा पसंद है. तो अभी हम हैवमोर पे हैं, और हैवमोर में बटर चिकन यहाँ की स्पेशलिटी है. इन लोगों को बटर चिकन के लिए अवार्ड भी मिला हुआ है, तो अभी हमने वही ऑर्डर करा है. यहाँ पे आपको बटर चिकन में बेसिकली तीन ऑप्शन मिल जाएंगे. तो हमने जो ऑर्डर करा है उस 10 पीस ऑफ चिकन टिक्का, और उसके साथ हमने बटर नान ऑर्डर करा है. तो देखते हैं कैसा रहता है, और जैसे ही खाना आता है खाने के आपको कुछ बढ़िया से शॉट सिखाता हूँ. तो बटर चिकन तो हम लोगों ने खा लिया. बटर चिकन के बाद दूसरी चीज़ जो हम लोगों ने ऑर्डर करी है दैट इज़ कढ़ाई चिकन. तो कढ़ाई चिकन हम टेस्ट करते हैं, उसके बाद आपको बताता हूँ कि ये कैसा है. क्या आपके दोस्त भी सौंफ के साथ ऐसा करते हैं? नाउ सो फार वी आर डन विद आवर डिनर. तो जैसा कि वहाँ पे मेंशन था कि बटर चिकन को बहुत सारे अवार्ड्स मिले, और लिटरली बटर चिकन अवार्ड विनिंग था, और वो डिजर्विंग था, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था. इन लोगों से पूछते हैं इन लोगों को कैसा लगा. बहुत ही टेस्टी था, ग्रेवी वगैरह और नान वगैरह भी बहुत सॉफ्ट थे, चिकन के पीसेस बहुत ज़्यादा सॉफ्ट. और बटर चिकन खाने के बाद हम लोगों ने कढ़ाई चिकन मंगाया था. कढ़ाई चिकन वैसे तो हम लोगों को इतना ज़्यादा कुछ नहीं पसंद, बट हमें कुछ और भी ट्राई करना था, तो इसलिए हमने कढ़ाई चिकन मंगाया. कढ़ाई चिकन में अच्छा था, उसमें श्रेडेड चिकन करके चिकन भी जो है श्रेड करके डाल रखा था, तो अच्छा था. बाकी सब्जियाँ वगैरह ज़्यादा थी, अगर किसी को ज़्यादा सब्जियाँ नहीं पसंद हो तो उसके हिसाब से सब्जी वगैरह ज़्यादा थी उसमें. बाकी चिकन उसमें श्रेड करके डाल रखा था, पीसीज नहीं थे, तो ठीक था, ओके ओके था. पर बटर चिकन वाज गुड. बेस्ट पार्ट वाज पानी. पानी जो था यहाँ पे 150 रुपये का था. मुझे तो नहीं लगता 150 दिन तक इन दोनों को प्यास लगने वाली है, इनफैक्ट हम तीनों को. Few moments later. अभी ये गाड़ी हम यहाँ पे लगा रहे थे, और ये साइड में ऐसा बम फट रहा है जैसा सूटकेस रखा हुआ है. यहाँ तो नहीं लगाने वाले गाड़ी. तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देख ली होगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो यू नो द ड्रिल. तो मिलते हैं फिर किसी ऐसे और बढ़िया से वीडियो में. टिल देन आशीष साइनिंग ऑफ. बाय बाय.